अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अहमद परवेज़, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, कारण असेंबली यूथ कांग्रेस और सोशल एक्टिविस्ट। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि मैं हैदराबाद के आवाम को आगाह करना चाहता हूँ, दारुसलाम के पास जो मोहम्मद टूर एंड ट्रैवल्स जो है उनके पास की कोई भी सर्विस एक्सेप्ट ना करे। वो लोग के एकदम घटिया, एकदम बकवास सर्विस है। कुछ मेरे भाई लोग जो है सो हैदराबाद से सऊदी अरबिया आने वाले थे, मालदीव से आ रहे थे, वो लोग को कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है। वो लोग अगस्त 1 को मालदीव माले पे पहुंच गए थे, वो लोग दोपहर में वहां पे पहुंच गए 12 बजे। उसके बाद कोई इंतज़ामियात नहीं थे वो लोग। उसके बाद रात को 2 बजे वो लोग के पास बोट आई, बोट के ज़रिए पे वो लोग आइलैंड पे गए। उसके बाद मोहम्मद टूर एंड ट्रैवल्स वालों ने ये बताया था कि पैकेज जो था, हम लोग पैकेज में आपको 3-स्टार होटल देंगे, ठीक है। लेकिन होटल वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ रिजॉर्ट था, वो भी एकदम खंडर किस्म का रिसॉर्ट था। उसमें किसी भी तरह की सर्विस नहीं थी। 3 टाइम खाना देते बोले, लेकिन खाने में सोना कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्राइड राइस नूडल्स बस उतना ही है और कुछ भी सर्विस नहीं है। और अभी फ़िलहाल वो लोग परसों के दिन 14 दिन क्वारंटाइन हो गए, फिर परसों के दिन वो लोग का PCR टेस्ट हुआ। कल वो लोग फ्लाई करने वाले थे रात को 11 बजे माले से कोलंबो, देन कोलंबो से वो लोग ट्रैवल करने वाले थे दमाम को। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा होता है कि मोहम्मद टूर एंड ट्रैवल्स की घटिया सर्विस की वजह से वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, क्योंकि इमिग्रेशन पे उनको वहीं पर रोक दिया गया मालदीव में। कहने लगे एयरलाइंस वाले कि आप कोलंबो में 15 घंटे से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर जो हॉल्ट जो होता है वो 15 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो उनका कहना है। उसके बाद भी हमारे लोग कंटिन्यूसली उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको व्हाट्सएप कर रहे हैं, नॉर्मल कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद टूर एंड ट्रैवल्स में ये अकरम, ज़ुबैर, शकील, ये तमाम लोगों को हम तमाम लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है ये लोग की तरफ से। भाई जब सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने पैसा पूछा है 1,20,000 पूछा है किसी ने, हमको तो 1,32,000 पूछा है। मैंने पूरे 1-1 रुपया दिया है उनको, लेकिन उनके पास से कुछ भी सर्विस नहीं आ रही है। अभी लोग फंसे हैं, वो लोग के पास होटल नहीं है। अभी कल रात को वो लोग गए नहीं, हाँ कल रात को जब रात को 11 बजे जो फ्लाइट थी, वो लोग सुबह में दोपहर के बाद 2 बजे एयरपोर्ट पर पहुँच गए। 2 बजे से लेके दोपहर से लेके रात के 9 बजे तक जब तक इमिग्रेशन काउंटर पर नहीं गए, वो लोग को पता नहीं है कि वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। फिर वो लोग बताएंगे कि आप 15 घंटे से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे आप नहीं ठहर सकते कोलंबो में, आपको वापस जाना पड़ेगा, मालदीव में रहना पड़ेगा, आपको उनका कहना था। उसके बाद मोहम्मद टूर एंड ट्रैवल्स का काम ये होता है कि उन लोग को जल्द से जल्द दूसरा टिकट इशू किया जाए, या नहीं बल्कि बोलते होटल का अरेंजमेंट किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक वो लोग एयरपोर्ट ही थे, अभी तक वहीं एयरपोर्ट पे होटल का मैनेजमेंट अभी कुछ भी मैनेजमेंट नहीं हुआ होटल का। वो लोग बहुत परेशान हैं। और इस हाल में मैं सिर्फ अब एक ही शख्स को मैं याद करता हूँ, मजलिस बचाओ तहरीक के हमारे स्पोक पर्सन, मेरे बड़े भाई अमजदुल्ला खान और खालिद भाई, मैं आपको याद करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके लिए आप ऐसा है ना कुछ हेल्प करिए। हमेशा आपसे उम्मीद होती है लोगों के कि भाई ओवरसीज़ में इंडिया के बाहर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो अक्सर अमजदुल्ला खान साहब एक वाहिद शख्स है जो हमेशा आगे और जो एक प्रैक्टिकल वर्क करके लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो लोग अभी मालदीव में फंसे हैं, मैं उनकी वीडियो भी है, मैं आप तमाम लोगों को भेज रहा हूँ, जैसे कि अमजद भाई को भेज रहा हूँ और कुछ मेरे न्यूज़ रिपोर्टर्स है जो उनको इनके लिए भी मैं भेज रहा हूँ, ताकि भाई आवाम में शहूर आ जाए कि भाई मोहम्मद टूर एंड ट्रैवल्स एक घटिया सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे कुछ भी काम नहीं हो सकता है, उनसे ना जाए, कभी ट्रैवल नहीं करें उनके पास से। क्योंकि भाई हमने उनको जितना पैसा पूछा उतना पैसा दिए, टाइम पे पैसे दिए उनको, लेकिन सर्विस कुछ भी नहीं मिल रही अभी। तो मेरी अदबन गुजारिश है तमाम लोगों से कि भाई ऐसे मोहम्मद टूर एंड ट्रैवल्स को कभी प्रेफर ना करें, कभी उनसे ट्रैवल ना करें, ठीक है ना मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई लोग कभी भी आप मोहम्मद टूर्स एंड ट्रैवल्स जो दारुसलाम के पास है उससे मत आइए, आपकी अदबन गुजारिश है। ये तीनों बहुत बड़े टफर लोग हैं, झूठे हैं,
बहुत बड़ा झूठ फैलाते हैं हम लोग सर्विस देते बोल के। ये देखिए हाल, हम लोग 3 बजे से एयरपोर्ट माले एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तमाम के टिकटा दिए हुए हैं और ट्रांजिट के वास्ते सऊदी जाने के लिए। एयरलाइंस वाले हमारे को ट्रांजिट नहीं हो सकते, कम से कम 12 घंटे के अंदर है तो आप ट्रांजिट हो सकते बोल के बताएं, नहीं तो आपको कोलंबो पे प्रॉब्लम होता बोल के रोक दिए। हमारे साथ दूसरे भी टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले भी है, और ये मुंबई एंड टूर ट्रेवल्स वालों का हाल है। ये लोग फर्स्ट टाइम जब हम 1 अगस्त को आए थे, ठीक है, दोपहर में फ्लाइट लैंड हुई, दोपहर से रात के 1 बजे तक 5 मिनट में आ रही बोट, 10 मिनट में आ रही, आधे घंटे में आ रही बोल के बिठा के रखे, ना खाना ना पानी, बहुत बड़ी तकलीफ दे दी। आज भी ऐसा बिठा के रखे भाई, आप लोग से अदबन गुजारिश है मत आइए। और हमारे जो भी है भाई लोग मीडिया वाले, थोड़ा इसको बहुत वायरल करिए, कोई भी आना नहीं चाहिए मोहम्मद एंड टूर्स एंड ट्रैवल से, खाली एक 5-10 हज़ार रुपये के चक्कर में भाई इतना बड़ा धोखा हो जाता। प्लीज़ प्लीज़ आपसे अदबन गुजारिश है, सारे जितने भी लोग हैं और जो होटल 3 स्टार देते बोले, ये लोग गेस्ट हाउस दिए, इतना बेकार गेस्ट हाउस आप देख के परेशान होते। एक रूम में 4-4, 3-3 आदमियों को घुसड़ के रखे, भेड़ बकरियों के सर का, खाना नहीं कुछ नहीं। आपको वो भी वीडियो भिजाता हूँ, हमारे साथ वालों के आज से आए, बहुत तकलीफ़ में हैं हम लोग पूरे सब लोग। खाली हम लोग सोचते देख के हम लोग अफसोस करते थे कि अरे उनके साथ हुआ हमारे साथ नहीं होता, ये हर एक के साथ हुआ भाई। आप लोग ये टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ मत आइए, मोहम्मद टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों के साथ। ये बहुत बड़े अकरम, शकील, ज़ुबैर, ये बहुत बड़े डफा फ्रॉड लोग हैं, बहुत बड़े इस गैम्बलर लोग हैं। ज़रा 5-5 हज़ार 10 हज़ार कम करके ये लोग इतना बिठा के इतना तकलीफ देते भाई लोग, आप मत आइए। ये मैं हूँ भाई, मेरा नाम अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पाजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।